हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉपसी बाय फ्लिपकार्ट बाय शॉपसी से हॉल शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो गाइज, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉपसी बाय फ्लिपकार्ट से रिव्यू शेयर करने वाला हूँ प्रोडक्ट के हॉल। तो ये देख सकते हो, कुछ इस तरह तीन प्रोडक्ट है मेरे पास। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पे मेरे पास है एलोवेरा जेल न्यूट्रीग्लो का। आप लोग देख सकते हो, वाओ, कैन यू सी गाइस, इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग मिलेगी आपको। ये न्यूट्रीग्लो का है एंड इसकी प्राइस है 150, 150 का है एंड नेट वेट क्वांटिटी 100 ग्राम। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ से भी पैक है। तो लेट्स सी, ये देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हो, वाओ कितना लग्जूरियस लग रहा है। ये देखिए गाइस, इसका आप इसमें से साइन देख सकते हो, कितनी अच्छी साइन आ रही है। आप लोग देख सकते हो कैमरे के आगे, देखिए कैमरे के पास ले जाते हो, इसकी साइन जो है कितनी अच्छी है। इसमें देख सकते हो कलरफुल इस तरीके से बॉल्स भी हैं एंड जेल की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। एंड ये है न्यूट्रीग्लो का, देख सकते हो आप लोग, इस तरीके की बॉक्स में है एंड ये भी सील है इस तरीके से। तो यूज आफ्टर यूज आपको मैं इसका रिजल्ट दूंगा कि मतलब कैसा है ये प्रोडक्ट। एंड था ये फर्स्ट पे, इसका प्राइस है 150, बट मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन सेकंड मेरा प्रोडक्ट है ये, आप लोग देख सकते हो, ये है ज्वेलरी, लेट्स सी। तो इस तरीके की नॉर्मल पैकेजिंग है। देन इसके अंदर से आप लोग देख सकते हो, इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। कार्डबोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, समृद्धि डिजाइन क्रिएशन लिखा हुआ है एंड इस पर एक कमल का लोटस का फूल है फ्लावर। एंड इस तरीके से ओपन होता है। देन आप लोग देख सकते हो इस तरीके से पैकेजिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी ज्वेलरी है, बट मैं बाई अप कर रहा हूँ थोड़ी सी, बस ऐसे ही, कोई एक्स्ट्रा इशू नहीं है। एंड इसमें एक दो जो मिरर हैं गाइस, इसमें निकले हुए हैं, मैं उन्हें बाद में ग्लू से फिक्स कर दूँगा, डोंट वरी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मैं आपको इयर रिंग दिखाता हूँ इसका गाइज। ये देखिए, कैन यू सी गाइज, कितना अच्छा, ये रियल मिरर है इस पर, फेक नहीं है, रियल मिरर रखे हुए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, वाओ ऑसम गाइज, ऑसम, कितना स्प्लेंडेड लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए गाइज, एकदम पूरा चार चांद लगा दे रहा है ना। अगर वैसे ऐसी ज्वेलरी अगर आप लोग वियर करते हो किसी भी आउटफिट के साथ, तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर गर्ल्स ही देखती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग वियर करोगे तो, क्योंकि गर्ल्स की जगह मेरे लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। दीदी, चाची, मम्मी, आप जो भी लगोगे, क्योंकि जो भी देख रहे होगे वीडियो, तो सिस्टर या बहन, बुआ, जो भी आप लोग लगोगे, तो अगर आप लोग इस तरीके की ज्वेलरी वियर करते हो तो काफ़ी क्लासिकल, काफ़ी एलिगेंट सा लगोगे आप लोग। इस तरीके की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, मिरर वर्क ज्वेलरी। एंड ये है इसका नेक पीस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, नेकलेस, वाओ क्या ही बोले गाइस, एकदम ऑसम वाला क्वालिटी है। एंड मैंने देखा है, मैंने मीशो से बहुत सारी ज्वेलरी बाई की है। अगर आप लोगों ने मेरा मीशो प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। उसमें बहुत सारी ज्वेलरी एंड साड़ी की, मीशो के बहुत सारे कलेक्शन हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैंने ये देखा है गाइस कि जो भी मैं मीशो से ज्वेलरी बाई करता हूँ, तो वो ज्वेलरी जो होती है वो थ्रेड में, मतलब जैसे कि ज्वेलरी जो इस तरीके से अटैच है वो थ्रेड में पिरोई रहती है। बट अगर अगर हम अमेजन से या फ्लिपकार्ट से ज्वेलरी बाई करते हैं तो वो अटैच रहती है, जैसे वेल्डिंग होता है गाइस, जाम रहती है, उस तरीके का रहता है। तो मुझे वो थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी लगती है, मीशो की ज्वेलरी की फिनिशिंग मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तब भी प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, बट उसकी जो फिनिशिंग है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। बट इसकी आप लोग फिनिशिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है, माशाल्लाह। ये देखिए, चार चांद लगा देता है। अगर आप लोग इसे, ये ऑक्सीटाइट ज्वेलरी है गाइज, मिरर वर्क के साथ, आप इसे क्रॉप टॉप विथ घाघरा के साथ पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, आपकी लुक को एलिगेंट बना देगा एंड आप सबसे ज़्यादा सुंदर आप ही लगोगे अगर इस ज्वेलरी को आप वेयर करते हो। एंड पीछे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से ब्लैक डोरी मिलती है एंड एक छोटू सा ये इस तरीके से मिलता है पर्ल, जो कि हम साइज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी लग रहा है, ऑसम वाला क्वालिटी है। इसमें से एक दो मिरर निकले हुए हैं जो कि मुझे मिले हैं इसी के साथ, तो मैं उसे ग्लू से फिक्स कर दूंगा। एंड गाइस, मेरा लास्ट कलेक्शन है वो है साड़ी, देख सकते हो, फ्रॉम द फ्लिपकार्ट बाय शॉपसी। तो
लेट्स सी, ओपन करते हैं इसे। सारे आप लोग देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में है, देन प्लास्टिक पैकेजिंग बाहर से थी, रैपर इस तरीके से अंदर है। एंड इसे ओपन करते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए, कैन यू सी? तो व्हाट इज दिस, कौन है? डोंट वरी, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ एनीवे कोई आता रहता है। तो साड़ी और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की है, एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। समर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मस्त है, जॉर्जेट की फैब्रिक है। एंड प्राइस, ओ माय गॉड, प्राइस तो मैं भूल गया। डोंट वरी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई इफ़ यू वॉन्ट गो टू चेक माई लिंक एंड विजिट ऑन फ्लिपकार्ट एंड ऑन अदर ब्रांड, जिस ब्रांड का होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ वीडियो शूट करते करते। तो साड़ी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है गाइज। एंड ये है जेब्रा साड़ी, जिससे कि मुझे बहुत दिनों से बाय करना था। मैं हर प्रोडक्ट को बहुत दिनों से बाय करने वाला रहता हूँ, क्योंकि मैं देख लेता हूँ पहले, बट मनी नहीं रहती है, इसकी वजह से मैं बाय नहीं कर पाता हूँ। और भी बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं, इस वजह से मैं बाय नहीं कर पाता हूँ। बट फाइनली मैंने आज बाय कर लिया। मैं आपको एकदम पास दिखा रहा हूँ, ये देखिए गाइस, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाला मटेरियल है एंड काफ़ी अच्छा है। अभी मुझे इसका करना है मेक ओवर इन द सेंस, अभी इसमें मुझे लेस लगानी है। ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है, तो अभी इसमें मुझे लेस लगा के इसको बनाना है, एकदम हैवी वाला साड़ी। मैं आपको अभी ओपन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सेम टू सेम ऐसी ही पूरी ओवरऑल साड़ी है। एंड ब्लाउज का पीस मुझे ब्लैक मिला है, बिल्कुल सिंपल, ये देखिए। तो मैं इसे भी स्टिच नहीं करने वाला हूँ, मैं मार्केट से रेडीमेड ब्लाउज लेकर आने वाला हूँ। रेडीमेड इन द सेंस, जैसा कि मतलब वर्क वाला ब्लाउज लेकर आने वाला हूँ, स्टिच खुद से करूँगा। तो यह है साड़ी एंड यह है हॉल मेरा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन।